आज हम एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जिससे कि हम इंसानों ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। आपको तो पता ही होगा इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ मिलके एटम बनाता है, और जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो सारे एटम से बने हुए हैं। इस लिहाज से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है ये हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा आविष्कार है, एक बहुत बड़ा स्टेप है मैनकाइंड के लिए। जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा था तब हमारे पास ये नॉलेज तो था कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज, और हमें यह भी पता था कि उन चार्जेस का बिहेवियर कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे बिहेव करता है, निगेटिव चार्ज कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का बिहेवियर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में यही चार्जेस मूव करे तो कैसा बिहेवियर होता है। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन जो है यही निगेटिव चार्ज को कंट्रीब्यूट करता है, इसी से निगेटिव चार्ज बनता है। इसी एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोगों ने यह समझा कि निगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। तो चलिए देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट कैसा था। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देख लेते हैं। यहां पर आप देखें एक ट्यूब है, ये जो ट्यूब है ये ग्लास का बना हुआ एक ट्यूब है, और ये जुड़ा हुआ है एक वैक्यूम पंप के साथ। एक वैक्यूम पंप के साथ ये क्या करता है, इससे अंदर जो भी गैस है इस गैस का प्रेशर को घटाया जाता है। तो अंदर जो है ये मिलता है लो प्रेशर गैस, ये लो प्रेशर बनाया जाता है यहां पर। सो अंदर रहता है इस ट्यूब के अंदर लो प्रेशर गैस। साथ ही साथ यहां पर देखें दो मेटालिक स्ट्रिप्स हैं, एक स्ट्रिप और ये दूसरा स्ट्रिप। ये दो स्ट्रिप्स जुड़े हुए होते हैं हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, हाई वोल्टेज सोर्स के साथ। सो यहां इसे हाई वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ा जाता है। तो जैसे ही देखें इसे ऐसे जोड़ा जाता है, ये जो निगेटिव साइड है सोर्स का ये पॉजिटिव साइड है। तो जो स्ट्रिप निगेटिव साइड के साथ जुड़ा हुआ होता है इसे हम कहते हैं कैथोड। सो ये कैथोड है, और जो पॉजिटिव साइड के साथ जुड़ा हुआ होता है ये वाला, इसे कहा जाता था एनोड। ऑब्वियसली ये निगेटिवली चार्ज स्ट्रिप होगा, ये निगेटिव चार्ज होगा यहां पर, और यहां पर इसमें होगा पॉजिटिव चार्ज। ये पाया गया कि इस वोल्टेज को काफी ज्यादा जब बढ़ाया गया तो यहां से इसमें दिखा करंट। करंट कैसे डिटेक्ट किया गया कि अगर यहां पर एक एमीटर लगा दिया जाए तो उस एमीटर में होगा डिफ्लेक्शन, यहां पर दिखेगा डिफ्लेक्शन इसके कांटे में। ये डिफ्लेक्शन जो है कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन दिखा, इसका मतलब ये जो इंडिकेट कर रहा था ये एक कंटिन्यूअस करंट इंडिकेट कर रहा था। पर ये कंटिन्यूअस करंट एग्जिस्ट कैसे करेगा, यहां पर ये तो ओपन सर्किट है, देखिए यहां पर सर्किट तो जुड़ा हुआ नहीं है, ओपन सर्किट में करंट का फ्लो कैसे हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने ये अज्यूम किया जो कि बड़ा ही ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ इस रीजन में फ्लो कर रहा है, या तो इस साइड से कैथोड से एनोड की तरफ या फिर एनोड से कैथोड की तरफ कुछ ना कुछ फ्लो कर रहा है जिसके कारण यहां सर्किट में हमें दिख रहा है करंट। अब जो भी फ्लो कर रहा है वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो कर रहा है या एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो कर रहा है यह डिटेक्ट करना था। सो इसे डिटेक्ट करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले यहां पर कैथोड में कर दिया एक छोटा सा छेद। सो कैथोड में छेद कर दिया गया, और पीछे जो है पीछे एक फ्लूरेसेंट मटेरियल से कोट कर दिया गया, पीछे एक फ्लूरेसेंट मटेरियल से यहां जिंक सल्फाइड से इसे कोट कर दिया गया। उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि अगर कोई पार्टिकल यहां से इस डायरेक्शन से फ्लो करते हुए आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट यहां से पार हो जाएगा और ये यहां पर स्ट्राइक करेगा और हमें यहां पर दिखना चाहिए कुछ ग्लो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर उन लोगों ने क्या किया कि जस्ट इसका उल्टा किया, अब उन लोगों ने छेद कर दिया इस एनोड में, और जो फ्लोरिसेंट मटेरियल से कोटिंग करना था वो कोटिंग उन्होंने अब इस साइड में किया एनोड के पीछे। अब उन लोगों ने ये देखा कि यहां पर हो रहा है ग्लो, यहां पर ये ग्लो कर रहा है, जैसे ही करंट का फ्लो हो रहा यहां पर ये ग्लो कर रहा है।
ग्लो क्यों कर रहा? क्योंकि जो पार्टिकल फ्लो कर रहा वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो कर रहा है, उसका फ्लो का डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है। सो ऐसे पार्टिकल फ्लो कर रहा और उसका कुछ पार्ट यहां से पार हो जा रहा और इस फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ कोलाइड कर रहा और ये ग्लो हमें दिख रहा है। सो ये सजेस्ट किया गया जो भी यहां पर फ्लो कर रहा है, तब तक ये नहीं पता था क्या फ्लो कर रहा, सो उन लोगों ने ये सजेस्ट किया कि जो भी यहां पर फ्लो कर रहा वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो कर रहा। अगर एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करता तो यहां पर जब वो फ्लोरेसेंट मटेरियल से कोटिंग किया गया था तो यहां भी ग्लो दिखता हमें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन लोगों ने ये जो भी फ्लो कर रहा है यहां अंदर उसे एक नाम दे दिया और उन्होंने कहा ये है कैथोड रे, ये है कैथोड रे। आगे चल के इसी को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। सो ये जो कैथोड रे है इसे आगे और भी स्टडी किया गया, इसका बिहेवियर टेस्ट किया गया। उन्होंने ये पाया कि ये जो है ये स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है कैथोड रे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहे या मैग्नेटिक फील्ड रहे तो ये डिफ्लेक्ट कर जाता है। अगर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यहां पर प्रोवाइड किया जाता है, मान ले कि ये जो है यहां एक काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दिया जाए यहां इस प्लेट में और यहां एक प्लेट रखा जाए नेगेटिव चार्ज का, तो ये जो है कैथोड रे का डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में दिखता है। तो ऐसा डिफ्लेक्शन कहां पर दिखेगा? ऐसा डिफ्लेक्शन तभी दिख सकता है जब ये जो कैथोड रे है ये जिस भी पार्टिकल से बना हुआ हो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इसका डिफ्लेक्शन इस साइड में होता, इस नेगेटिव प्लेट की तरफ। लेकिन इसका डिफ्लेक्शन पाया गया कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो रहा, इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। मैग्नेटिक फील्ड में भी इसका स्टडी किया गया, इसे ऑब्जर्व किया गया, वहां भी ये पाया गया कि उसका जो डिफ्लेक्शन का बिहेवियर है वो ऐसा है मानो कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया जो कैथोड रे है ये नेगेटिव चार्ज का फ्लो है, या फिर ये कैथोड रे इटसेल्फ ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड। आगे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया और उन्होंने यहां पर ये जो इलेक्ट्रोड्स थे उन इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल को चेंज कर दिया। मटेरियल चेंज करने के बावजूद जो कैथोड रे का बिहेवियर था वो ज्यों का त्यों पाया गया। इसका मतलब ये जो कैथोड रे है जिसे कि आगे चल के हमने इलेक्ट्रॉन नाम दिया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं है। मटेरियल चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर वैसा ही दिखा, कैथोड रे का बिहेवियर वैसा ही दिखा। गैस को भी चेंज किया गया अंदर के, फिर भी बिहेवियर वैसा ही रहा। तो उन्होंने जो नाम दिया आगे चल के इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने ये पाया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे एटम्स का बेसिक कंस्टिट्यूएंट है। मटेरियल चाहे कुछ भी हो, उसके एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर जो है वो एग्जैक्टली सेम है हर केस में। तो चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं हमने क्या देखा। हमने ये देखा कि कैथोड रे जो है जो पाया गया ये ऐसा पाया गया कि ये कैथोड से शुरू होता है और ये एनोड की तरफ बढ़ता है, होना ही चाहिए, कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड स्ट्रिप है यहां पर। सो इससे इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है ये इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्टेड होता है और ये एनोड की तरफ मूव करता है नेगेटिव चार्ज। ये पाया गया कि ये जो रेज है जो कैथोड रे है जो कि इलेक्ट्रॉन्स है मूविंग इलेक्ट्रॉन वो विजिबल नहीं है, ऑब्वियसली आप मूविंग इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते हैं, और इसका जो बिहेवियर है इसे ऑब्जर्व किया जा सकता है सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल से जिसे कि हम फ्लोरेसेंट मटेरियल या फॉस्फोरसेंट मटेरियल कहते हैं, जैसे कि हमने बात किया था यहां पर यूज किया गया था जिंक सल्फाइड, यहां पर जिंक सल्फाइड यूज किया गया था जो कि एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है और वो ग्लो करता है। सो इस तरह से जो कैथोड रे है उसका बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये भी पाया गया कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अगर ना हो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है ये कैथोड रे जिसे कि हमने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करे इस रीजन में, अगर उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को, तो कैथोड रे का जो बिहेवियर है ये कुछ ऐसा होता है मानो कि
ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। सो इससे ये सजेस्ट किया गया कि कैथोड रे जो है ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसे आगे चल के नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। और ये भी पाया गया जो लास्ट पॉइंट है जिसके बारे में हमने एट लास्ट बात किया कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कैथोड रे का, ये डिपेंड नहीं करता है किस मटेरियल से इलेक्ट्रोड बना हुआ है उससे। सो यहां से ये कंक्लूड किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बेसिक कंस्टिट्यूएंट है सारे एटम्स के। सो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन को कर दिया डिस्कवर। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो में हम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के बीच का जो रेशियो है उसे पता लगाया था। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।